मंजा का सुपर पावर। मंजा 8 साल का है, उसके दोस्त नहीं है। मेरे आसपास के लोग इतने आसानी से दोस्त बना लेते हैं, मैं क्यों नहीं बना पाता? मैं आज माँ से पूछूंगा। स्कूल की घंटी बजते ही मंजा घर की ओर दौड़ा। मंजा की माँ कपड़ा बनाने वाले कारखाने में काम करती थी। सुबह जल्दी चली जाती और रात को थकी हारी वापस आती। माँ माँ मुझे मंजा की बात खत्म होने से पहले ही उसकी माँ बोली, मंजा अभी मैं बहुत थकी हुई हूँ, मुझे परेशान मत करो। मंजा उदास हो गया, वो अपनी माँ से बात करना चाहता था। उसके पापा 3 साल पहले गुजर गए थे, वह उन्हें याद करने लगा। अपने सवालों का कोई जवाब ना मिलने के कारण मंजा ने सबसे बात करना बंद कर दिया। मुझ में ही कोई कमी है। स्कूल में टीचर उसे हर गलती के लिए डांटते थे। मुझे कोई भी अच्छा नहीं लगता। गुस्से से मंजा ने पत्थर को लात मारी। मंजा के स्कूल में उस दिन ड्रीम ड्रीम संस्था की ओर से रग्बी और कला के प्रोग्राम शुरू हुए। मंजा ने रग्बी खेलना पसंद किया। मैं किसी से यहाँ बात नहीं करूंगा, कोई मुझे नहीं समझेगा। मगर गलती करने पर भी मंजा को यहाँ डांट नहीं पड़ती थी। कोच हमेशा उसे प्रोत्साहित करते थे। मंजा की कोच और टीम के साथियों से दोस्ती हो गई। मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है। मैच हारने पर मंजा को बहुत गुस्सा आता था। उसने कोच से बात की। गुस्सा आने पर मैं गहरी सांस लूंगा, जैसे आपने दिखाया था। एक दिन मैच के बाद मंजा और उसके साथी साइकिल से घर जा रहे थे। संतुलन खोने पर मंजा साइकिल के साथ गंदे पानी के कीचड़ में गिर गया। हाय, सब मुझ पर हंसेंगे, मैं कहाँ छिपूं? मंजा के साथी तुरंत उसकी मदद करने पहुंचे। तुम्हें चोट तो नहीं लगी? तुम्हें पता है, एक बार मैं साइकिल के साथ तालाब में गिर गई थी और मेरे दो दांत टूट गए थे। मंजा की सहेली ने गर्व से सबको अपने दांत की खिड़की दिखाई। सब हंसने लगे। मंजा को अपनापन महसूस हुआ। मुझे रग्बी और अपने दोस्त बहुत पसंद है। जब लोगों ने मुझसे प्यार से बात की, मैं समझ गया कि मुझ में कोई कमी नहीं है। मेरी सुपर पावर मेरे कोच और दोस्त हैं, जो मुझ पर विश्वास करते हैं। तुम्हारी क्या सुपर पावर है?